इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का ऐलान किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आंचल पांडे और आप देख रहे हैं इनखबर। जी हां, एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को पेश किया है कि अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। बताते हैं आपको कि पूरा मामला क्या है। जावेद नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके खिलाफ गौ हत्या का मामला पहले से दर्ज किया गया था। उसने गौ हत्या की थी और उसके खिलाफ गौ हत्या रोकथाम अधिनियम के तहत धारा 3, 5 और 8 के तहत गौ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उसने अपनी याचिका दायर की और बेल की अपील की, लेकिन इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जावेद को बेल नहीं मिल सकती, क्योंकि गौ हत्या एक जघन्य अपराध है और गौ हत्या के लिए किसी भी एक धर्म या किसी भी एक व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक पूरे देश का मसला है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि गौ रक्षा के लिए कोई भी एक धर्म या कोई भी एक जाति जिम्मेदार नहीं है। गौ रक्षा करना पूरे देश का दायित्व है, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति है और अपनी संस्कृति की रक्षा करना हर देशवासी का कर्तव्य है। उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएं और एक बिल पास करें। उनका कहना है कि अब गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए, गौ हत्या को अब बंद करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गौशालाओं की बात करते हुए भी कहा है कि देश में अब गौशालाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से लोग हैं जो गौ रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन गौ रक्षक के बजाय वो भक्षक बन जाते हैं और खुद ही गौ हत्या कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जावेद की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि गौ हत्या के मामले में कोई भी अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति काफ़ी तेज़ हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ऐसे तो गौ रक्षा को अपना मूल मंत्र बताती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गौ हत्याएं बीजेपी के राज में ही हुई हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी के मंत्री ने कहा है कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं। इस मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी सिर्फ गौ रक्षा की बात करती है, लेकिन गौ रक्षा करती नहीं है। कांग्रेस ने भी बीजेपी से ये अपील की है कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी भी एक राज्य या किसी भी एक जगह का नहीं है, ये मुद्दा पूरे प्रदेश का है। इसके साथ ही लोगों ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान किया है और इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।